सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी सदी की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना से अछूते नहीं रहे। कल देर रात आई खबर बिग बी की कोरोना रिपोर्ट, जैसे ही पॉजिटिव आने की खबर आई वैसे ही पूरे बॉलीवुड में, देश में बल्कि हलचल मच गई। अमिताभ के बाद अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चन परिवार मानो दहशत में, लेकिन राहत की बात रही कि ऐश्वर्या और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आज हम आपसे बुलेटिन में सदी के महानायक पर चर्चा करेंगे, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अमिताभ बच्चन, जिनकी फिल्मी विरासत के बारे में कुछ भी कह पाना शब्दों में मुश्किल है, इन सब के बीच बीते दिन जब खबर आई कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, एक जबरदस्त हलचल पूरे देश में। हर एक की नजर उन परिस्थितियों पर जो इस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ है। हम आपको सुनाएंगे उनकी रिपोर्ट भी, हम आपको बताएंगे कि क्या कह रहे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर से, डॉक्टर्स को लेकर किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमिताभ बच्चन पे इस बड़ी खबर पर हम लगातार आज तक पर कवरेज करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके घर जलसा से, उस अस्पताल से जहां अमिताभ इस वक्त भर्ती है। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही है, गुजर जाएगा। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब जरूर है, लेकिन उनका जो फिलहाल मेडिकल बुलेटिन है उसमें बताया गया है कि उनकी स्थिति अभी स्थिर है, हालत स्थिर है। ये नानावती अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई है। अस्पताल का कहना है कि अमिताभ बच्चन हल्के लक्षण उनमें देखे जा रहे हैं और इस वक्त अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन यूनिट में एडमिट किया गया है। अस्पताल का कहना है कि अमिताभ बच्चन खुद ट्विटर के जरिए सेहत की पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये वीडियो भी जो आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन अपनी सेहत की जानकारी खुद दे रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल को लेकर और डॉक्टर्स को लेकर भी वीडियो जारी किया है और कहा है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी इस वक्त भूमिका भगवान की तरह है। कोरोना से महानायक बीमार हुए हैं, एक एक कर हम चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उनके घर जलसा को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया है और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराधना की भी। कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन ने नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस की तारीफ करते हुए एक संदेश जारी किया था, वो संदेश जरा आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। आई एम वॉन्टिंग टू टॉक टू ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेस एंड द स्टाफ एट नानावती हॉस्पिटल फॉर देयर ट्रेमेंडस वर्क दैट यू आर डूइंग इन दीज वेरी ट्राइंग circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरी वन इज बींग वर्कड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देर इज ऑलवेज फियर, देर इज परहैप्स डिप्रेशन, बट प्लीज डू नॉट डिस्पेयर, डू नॉट पैनिक। वी आर ऑल टूगेदर इन दिस, वी आर ऑल वर्किंग टूगेदर एंड वी होप एंड विश दैट वेरी सून वी शैल कम आउट of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors, and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. Aur main janta hoon ki aap ka sneh, aapka pyar, mere swasthya ke liye kitna avashyak raha hai. आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है।
आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको लिए चलेंगे तमाम डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर शशांक जोशी जो कि सदस्य है कोविड टास्क फोर्स में महाराष्ट्र में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश पारेख हमारे साथ, डायरेक्टर है मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरोपसी साइकाट्रिस्ट जो है वो जसलोक अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली जनरल मेडिसिन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बॉम्बे हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त, वो मौजूद है जलसा जो घर है अमिताभ बच्चन का उसके बाहर से। तनुश्री, मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या हम ये माने कि लक्षण हल्के हैं लेकिन एहतियातन उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है? और दूसरा सवाल, अमिताभ बच्चन ने कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वो सभी टेस्ट करा लें। अमिताभ बच्चन क्या पिछले दिनों काम पर भी जा रहे थे, क्या कुछ हो रहा था इस बारे में अगर कोई जानकारी हो? तनुश्री अंजना, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हम जलसा के बाहर मौजूद है। ये जो व्हाइट बंगला, जो सफेद रंग का बंगला है, ये अमिताभ बच्चन का बंगला है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय, जया बच्चन, आराध्या अभी अंदर है। बीएमसी के कर्मचारी आके सैनिटाइजेशन प्रोसेस यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपके पहले सवाल पे आती हूँ, डॉक्टर्स का जो भी कहना है, नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स अभी माइल्ड है, हल्का खांसी जुखाम, हल्का बुखार है, तो इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, दोनों को, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। एक बार फिर से टेस्ट कराया गया है, 24 घंटे लगेंगे रिजल्ट आने में अंजना, उससे एक ठोस पुक्ति हो जाएगी कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो कितना स्ट्रांग है। अभी इस वक्त पे माइल्ड सिम्टम्स डॉक्टर्स बता रहे हैं, और नानावती हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जो उनपे पहले भी जो उनको पहले भी अटेंड कर चुके हैं अमिताभ बच्चन को, उनकी टीम ये बता रही है कि हल्का खांसी जुकाम और हल्का फीवर है दोनों को ही, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन को, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों की स्थिति जो है वो अभी स्टेबल बताई जा रही है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है शुरू कर चुकी है बीएमसी, ऑलरेडी अथॉरिटीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे लग गए हैं। आपको बता दें अंजना कि अमिताभ बच्चन अपने कुछ डबिंग सेशंस के लिए घर से बाहर निकले थे पिछले कुछ दिनों में, और ये जो एरिया है अंजना, सबसे खास बात ये है, तो ये के वेस्ट एरिया पड़ता है मुंबई का, जो चौथे नंबर पे आता है अगर हम कोविड 19 केसेस की बात करें तो, काफी संक्रमित एरिया है ये मुंबई का। तो इसी वजह से भी बोला जा रहा है कि अभी पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि एग्जैक्टली किस जगह से, किस आदमी से उनको कोविड 19 आया है अमिताभ बच्चन को और अभिषेक बच्चन को, बट ये जरूर बताया जा रहा है कि वो थोड़ा बहुत अपने काम के सेशन के लिए बाहर जाते थे, इसी वजह से उन्होंने खुद से भी अपने ड्राइवर और स्टाफ और जितने भी लोग उनसे मिले हैं सबसे अर्ज किया है कि आप लोग खुद जाके अपना टेस्ट कराएं। तो डेफिनेटली अब जो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो प्रोसेस चालू होगा वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, बट एक एक करके बीएमसी सबको टेस्ट कर रही है, सबको कॉल्स ऑलरेडी जाना शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त पे हम जलसा है के ही बाहर मौजूद है, और कुछ देर पहले अंजना यहाँ कुछ फैंस भी आने की कोशिश कर रहे थे। लाजमी सी बात है, ना सिर्फ मुंबई शहर अंजना, पूरा वर्ल्ड, पूरा हमारा जो भारत देश है वो इस वक्त पे सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जल्दी से ठीक होकर घर वापस आए, क्योंकि अंजना जाहिर सी बात है कि ये जो इन्फेक्शन है ये काफी क्रूर है, ना ये आपका पद देखेगा, ना आपके उम्र का कोई लिहाज करेगा, ना कोई क्लास आपका देखेगा, बस एक छोटी सी चूक और ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमको लग सकता है। तो एक ऐसा आदमी जो खुद पैनिक करने से मना कर रहे थे, बहुत सबका हौसला अफजाई कर रहे थे, प्रोटेक्शन भी बहुत ले रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे, वो आज संक्रमित हो गए हैं। तो डेफिनेटली सबका थोड़ा डर बढ़ा है, पर सब यही आस लगाए बैठे हैं कि अमिताभ बच्चन जल्दी से रिकवर करके घर वापस आ जाए। अंजना, बिल्कुल हम आपके पास फिर से आएंगे। तनुश्री हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है जलसा के बाहर से। डॉक्टर पारेख, मैं आपके पास भी आऊंगी समझने के लिए कि जिस उम्र में अमिताभ बच्चन को ये लक्षण देखे जा रहे हैं और ये बीमारी हुई है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले सीधे डॉक्टर शशांक जोशी के पास चलते हैं क्योंकि वो सदस्य है कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन तक इस बीमारी का पहुंचना किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि आप कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, और आपके पास अगर कोई भी जानकारी हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर जो अब अमिताभ बच्चन के पॉजिटिव होने के बाद की जा रही है। तो दो चीज है अंजना जी, पहली चीज ऐसा है कि हम सब प्रार्थना करते हैं कि अमिताभ जी सबसे पहले ठीक होए, और बहुत वो रिस्पॉन्सिबल नागरिक है क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर पे बताया कि मेरे साथ जो भी लोग लास्ट 10 दिन में आए हैं वो सब जाके खुद स्वयं टेस्ट करें। तो ये उनकी जो सेल्फ कॉन्शियस सिटीजन है उसका न्योता देता है, और वो बहुत अच्छे पेशेंट हैं, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको माइल्ड और स्टेबल सिम्टम्स है, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनको एज अ वे ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर बर्वे जो पर्सनल डॉक्टर है उन्होंने किया रहेगा, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे।
और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि बीएमसी के ये जो वार्ड्स है और ये चौथे नंबर पे जो वार्ड है वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जल्द से जल्द जितने लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं वो उनकी कोविड टेस्टिंग की जाएगी। उनकी भी जो टेस्टिंग की गई थी वो एंटीजन टेस्टिंग की गई थी, तो आई थिंक उनका स्वाब जो रिपीट स्वाब है उसकी जांच भी और उसका रिपोर्ट भी आज आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर पारेख, आपसे समझना चाहेंगे हर किसी की देश में देखिए जिस तरह की फैन फॉलोइंग है अमिताभ बच्चन की, उनके हेल्थ के बारे में तमाम पैरामीटर्स के बारे में लोग भी बहुत नजर रखते हैं। उनको कुछ दिक्कतें हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब शूटिंग के दौरान एक बार वो घायल हुए थे और उसके बाद भी, इन सब परिस्थितियों में और उनकी उम्र को देखते हुए आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे डॉक्टर पारेख? उसके पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर जोशी बोले थे उसके पहले आप भी बोल रहे थे कि देश प्रार्थना कर रहा है अमिताभ जी के लिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1978 में डॉक्टर बर्ड करके सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये तपास किया था कि लोगों का प्रार्थना का कुछ असर होता है क्या जब लोग बीमार पड़ते हैं। तो उन्होंने 400 मरीजों कार्डियक मरीजों पर ये रिसर्च किया था, आधे मरीजों के लिए सिर्फ दवाई दी थी, दूसरी आधे को दवाई भी दी थी, लेकिन लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अच्छे विचार कर रहे थे। और उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर है, उसमें उन्होंने दिखाया पहली बार कि जिस ग्रुप में लोग प्रार्थना कर रहे थे मरीज के लिए वो ग्रुप जल्दी रिकवर हुआ, उनकी रिकवरी अच्छी हुई। तो जैसे आप डॉक्टर जोशी बोल रहे हैं ये सब प्रार्थना जो हो रही है अमिताभ जी के लिए कोरोना वायरस पर, तब उसमें भी हमने ये बताया था कि ये जो वायरस है वो नहीं देखता कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन ये जरूर देखता है कि इसकी उम्र ज्यादा है किसको, कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन ये जरूर देखता है कि इसकी उम्र ज्यादा है किसको, ये तो रहेगा लेकिन ये एक नेगेटिव है। उसके ऑपोजिट पे तो अमिताभ जी ने काफी बीमार अच्छी लड़ाई वो जीते हैं, बढ़ाई है को भी ख्याल रखी का स्पिरिट ऐसे होता है और यही शायद सबसे पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर जिस तरह से हमने अमिताभ बच्चन को कई ऐसी मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है, एक बार फिर से तमाम फैंस यही कह रहे हैं, कैलाश खेर और बहुत सारे ऐसे फिल्म जगत के लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि जल्दी से जल्द ठीक हो। डॉक्टर भंसाली मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को सुना देते हैं। मैं कभी आपके किसी भी ट्वीट पर आज तक रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये पहला लम्हा है जब मैं थोड़ा भाव विभोर हुआ हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से स्वस्थ हों। क्यों? क्योंकि देखिए दवाओं का काम दवा करेगी लेकिन दुआओं का काम ये कुछ अलग बात होती है। मैं मानता हूँ कि आप न जाने असंख्य प्रार्थनाओं में हैं, कोटि कोटि दुआओं में आप हैं और आपको पूरा विश्व बहुत प्यार करता है। आपने न जाने कितने वायरस झेले हैं अपने जीवन में, आप सिर्फ इस फिल्म जगत का के महानायक नहीं है परंतु इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं। हमारे देश के गौरव अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है, हमारी दुआएं अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं। अमिताभ बच्चन जी एक फाइटर हैं, उन्होंने बहुत बार ऐसी चुनौती का सामना किया है और इस बार भी हम सब की दुआ है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, हम सब के अमिताभ बच्चन जी जैसे लाखों लोग कोरोना को हराकर आगे बढ़े हैं, वैसे ही हमारे अमिताभ बच्चन जी जल्दी ही इस कोरोना को हरा करके फिर हमारे बीच में वैसे ही हंसते मुस्कुराते अपने की दुनिया में खड़े होंगे, ये हमारी दुआ है। और हम सब माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अमिताभ बच्चन जी को जल्दी स्वस्थ कर दें। आइए जल्दी से आपको एक बार भंसाली जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आप तनुश्री बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची हुई है जलसा पर। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से चलेंगे। डॉक्टर भंसाली हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर किसी के मन में यही बात आती है जैसा
डॉक्टर पारिक को भी मैंने आज सुना पहली बार ये बोलते हुए कि दवाओं के साथ दुआओं का भी असर होता है। जब एक डॉक्टर खुद ऐसी बात बोले तो सबको समझ में आता है कि जब बात अमिताभ बच्चन की हो तो जबरदस्त भावनाएं जुड़ी होती हो है देश भर में लोगों की। लेकिन उससे पहले सर एक बार जरा बीएमसी के वहां पर लोग पहुंचे क्या जानकारी दे रहे हैं सुन के करने के वो लोग भी सब आप लोकेशन भी इधर भी सर से बंगले पे करेंगे कितना समय लगेगा उसको करने में? दो घंटा तीन बंगला है हम टीम बढ़ गया अभी फटाफट हो जाएगा एक घंटा में इधर एक टीम तीन टीम फटाफट एक घंटा के अंदर भी करके निकले। टेस्टिंग भी होगी उनका डॉक्टर के सब उनके काम उन लोग करेंगे। आप भी सैनिटाइज करेंगे किस तरह सैनिटाइज करेंगे और कितने लोग आप लोग हैं यहाँ पर? टोटल 18 होगा। अच्छा और किस तरह सैनिटाइज करेंगे? स्प्रे सब ऊपर से उनका घर बंगला एक घर केबिन सिक्योरिटी केबिन लॉबी उसके लेबर सब ए टू सेट में। ठीक है मेरा नाम एंटोनी एंटोनी किरबाई। ठीक है आप ऑफिसर हैं? हाँ। तो सुना आपने जानकारी वहां पर दी जा रही थी कि एक घंटे के अंदर सैनिटाइजेशन का पूरा काम हो जाएगा। डॉक्टर भंसाली अब वही सवाल जब बात अमिताभ बच्चन की हो तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवा तो अपना काम खैर करेगी ही लेकिन इसमें तो इलाज यही है कि तमाम पैरामीटर्स आपको देखते रहने हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या है तापमान टेम्परेचर ना बढ़े लेकिन इन सब के बीच दुआओं का दौर पूरे देश में इस वक्त है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो अमिताभ बच्चन। डॉक्टर भंसाली जी 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 अंजना जी पहली बात तो मैं आपके बहुत ही आपका रेस्पॉन्सिबल चैनल है इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बच्चन साहब के परिवार से बात हुई है उनके दोस्तों से बात हुई है और उनके जो संपर्क में लोग थे जिनके बारे में उन्होंने टेस्टिंग करवाने के लिए बोला है उनसे भी बात हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चन साहब बिल्कुल ठीक है बहुत ही माइल्ड सिम्टम है जिसके लिए उनका इलाज चल रहा है कोई खराब हालत नहीं है उनकी आईसीयू में नहीं है जस्ट उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जैसे आपको माइल्ड सिम्टम होता है आप तुरंत डॉक्टर से बात करिए या आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है जो पॉजिटिव आया है अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो 100% पॉजिटिव होता है लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और फिर आरटीपीसीआर करते हैं जो उनका अभी टेस्ट हुआ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन के साथ में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और हर इंसान चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो सब लोग दिल और दिमाग से अमिताभ बच्चन साहब के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो न अमीर देखती है न गरीब देखती है न ऊपर का आदमी देखती है न नीचे का देखती है न बड़ा देखती है न छोटा देखती है ये बीमारी सबके साथ बराबर व्यवहार करती है लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी जिंदगी में इस ट्राइब पे कितने ही वायरस को झेले हैं और बाहर निकल के आए हैं मुझे मालूम है और आप सबको पता है कि पूरे देश की दुआएं उनके साथ लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब से लड़के अमिताभ बच्चन साहब बहुत ही आराम से घर पे निकल के आएंगे और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित होंगे देश की जनता के लिए कि अगर बीमारी के लक्षण होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए प्लस खुद के अलावा जो अपने संपर्क में जितने लोग आते हैं उनके टेस्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए खुद का ध्यान रखते हुए अपना स्टाफ अपने लोगों का ध्यान रखना यही चीज आदमी को बहुत ही महान बनाती है जो कि अमिताभ बच्चन साहब का लक्षण है। बीएमसी की टीम उनके घर पे भी पहुंची है जो कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि घर पे पहुंचना सैनिटाइज करना बंगलों को अगर जरूरत लगी या जिस फ्लोर को सील करना जो एक प्रोटोकॉल है बंगलो है तो उनको बंगलों को सील किया जाता है प्लस जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है उनके कॉन्टैक्ट में कितने कितने लोग आए हुए हैं उन सबको ट्रेस करना और उनका टेस्टिंग करवाना। अभी एक बीएमसी ने बहुत बड़ी पहल करी है मुंबई के अंदर मुंबई वर्ल्ड का एक पहला शहर है जहां पे आपको अपना टेस्ट करवाने के लिए कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी जरूरत नहीं है जैसे आप अपना रूटीन नॉर्मल टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं उसी तरीके से अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कोरोना का टेस्ट कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए आप लैब में जा सकते हैं जो भी मार्केटेड लैब की हुई है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की उस लैब में जा सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक पहला शहर है पूरे विश्व का जहां पे इस टेस्ट की और इस तरह से टेस्ट करने की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलाउ किया गया है और इससे एक बीएमसी का सबसे बड़ा मोटो यही है कि हमको वायरस को चेंज करना है पेशेंट को देखना है और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। नंबर हमारे कितने बढ़ जाए उसमें डरने की बात नहीं है मोर्टेलिटी रेट को कम करना है और अमिताभ बच्चन का ये हिंदुस्तान ने अभी तक बिल्कुल हिंदुस्तान ने अभी तक जिस तरह से इस बीमारी का मुकाबला किया है बीते दिन के आंकड़ों के मुताबिक 2.7 ही मृत्यु दर है तो कुल मिलाकर नंबर जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन इन सब के बीच हम लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर जोशी मैं आपके पास आऊंगी ये पूछने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा मामले मुंबई में हो गए हैं जिन परिस्थितियां आप बता रहे हैं जिस इलाके में अमिताभ बच्चन रहते हैं वो चौथे नंबर पर है कोरोना के केसेस के मुताबिक इन सब पर बातचीत आपसे करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुना देते हैं अमिताभ बच्चन कई बार वीडियो संदेश के जरिए बहुत कुछ कहते हैं ऐसे प्रभावी उनकी बातें जिनके जरिए एक संदेश
वो हमेशा देते रहते हैं। हौसला अफजाई ऐसे वक्त पर भी जो कोरोना काल में उन्होंने कई सारे वीडियोस के जरिए किया, खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए भी संदेश दिए। एक बार वीडियो संदेश अमिताभ बच्चन का पहले का है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो हल्दी हो उसे आराम देती थी, हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भलाई चाहता है ना, तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। चलिए फिर से अमिताभ बच्चन का ये एक पुराना संदेश था, वीडियो संदेश। जब कोरोना काल की शुरुआत हुई, बहुत सारे केसेस देश में आने लगे, उन्होंने इस संदेश के जरिए ये समझाया था कि डरना नहीं है, ना ही ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा स्टिग्मा भी कई जगहों पर जुड़ रहा है। इन सब का मुकाबला करने के लिए वो लगातार वीडियोस डालते रहे, डॉक्टर्स को लेकर, उनके काम को लेकर वो वीडियोस डालते रहे। लेकिन बीते दिन ये खबर आई जो उन्होंने खुद ही ट्विटर पर शेयर की कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, अस्पताल ले जाया जा रहा हूं, लक्षण बहुत हल्के हैं, जैसे आपको डॉक्टर भंसाली भी बता रहे हैं, डॉक्टर पारेख दुआओं का जो असर होता है उस पर बातचीत करें। डॉक्टर जोशी आपके पास एक बार आते हुए, अगर हम बड़ी परिस्थिति पूरी इस वक्त मुंबई की देखें, महाराष्ट्र की देखें, 2.5 लाख से ज्यादा मामले यहां पर हो गए हैं, इन सब के बीच जो स्प्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है, टेस्टिंग को लेकर जो पॉजिटिविटी दिखाई गई है वो शायद बेहतरी की परिस्थिति में हिंदुस्तान को ले जाएगा, और इसीलिए हल्के लक्षण दिखने पर ही ये टेस्टिंग अमिताभ बच्चन की भी हुई, और वो कह रहे हैं कि तमाम लोग जो उनके संपर्क में आए हैं सभी टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है जिस स्टेज में ये बीमारी इस वक्त देश में है। डॉक्टर जोशी, तो ये जो महामारी है वहाँ पे टेस्टिंग बहुत मायने रखता है। हाँ। और बम्बई शहर में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की सुविधा हो गई है अभी, और किसी को ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ए सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रेस करना हो, सिम्टोमेटिक पेशेंट हो, वो कहीं पे भी जाके बिना डॉक्टर को पूछे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये दुनिया में शायद एक ही शहर होगा जहाँ पे बगैर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आप टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि टेस्टिंग करके रुकता नहीं है, बीएमसी जो है तुरंत फिर सब जितने पॉजिटिव केस आते हैं उनके सब कॉन्टैक्ट्स को जाके ट्रेस करती है और आइसोलेट करती है। तो ये महामारी को जीतने के लिए अग्रेसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, ये जो पॉलिसी है चेस द वायरस पॉलिसी, इसका काफ़ी हद तक असर दिख रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई के जो आजू बाजू के सैटेलाइट शहर है, एमएमआर रीजन या पूरा महाराष्ट्र में भी टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जितने हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो नंबर से नहीं डरिए, क्योंकि अभी भी अपना जो मृत्यु का रेट है कम है। और जैसे बच्चन सर ऑलवेज बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज है, आप उनके हर मैसेज देखिए पूरे महामारी में, उन्होंने हौसला बढ़ाया है लोगों का, पॉजिटिव स्पिरिट दिया है, डॉक्टर हो या आम जनता हो, उनको सबको उन्होंने बहुत हौसले वाले मैसेज दिए हैं। तो पॉजिटिव स्पिरिट से, और उन्होंने भी एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य किया है कि अपनी खुद की टेस्ट की, अपने पूरे फैमिली की टेस्ट की, अपने जितने कॉन्टेक्ट उनकी सबकी टेस्ट की। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण बनता है पूरा दुनिया के लिए कि टेस्टिंग ट्रेसिंग कैसा होना चाहिए, और हम सब दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर घर आ जाएंगे। बिल्कुल, सबकी यही दुआ है। इस बीच जरा हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ ही देर पहले बीएमसी की तरफ से वहां जानकारी भी दी गई है। जलसा में जहां पर अमिताभ बच्चन फिलहाल रह रहे थे वहीं पर उनके घर में बीएमसी की टीम जाकर सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, 1-2 घंटे उसमें लगेंगे, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्य और बेटी, उन सब के टेस्ट किए जा चुके हैं, वो सब नेगेटिव हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये कहा है कि जितने लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, आपको ये भी बता दें, हमारी सहयोगी तनुश्री वहां से बता रही है कि पिछले दिनों डबिंग के कुछ काम से अमिताभ बच्चन घर से निकल रहे थे, तो जितने भी लोग चाहे वो ड्राइवर हो, जिन जिन के वो संपर्क में आए हैं उन सब की टेस्टिंग की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं जलसा की जहां पर पूरी बीएमसी की टीम आई हुई है सैनिटाइजेशन का काम करने के लिए। अस्पताल में वो भर्ती हैं, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भंसाली आप बता रहे थे कि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, बातचीत आपने की है, और आप बता रहे हैं कि बहुत ही मामूली हल्के लक्षण हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इसलिए भर्ती किया गया है एहतियातन,
क्योंकि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया है, तो इसको लेकर पैनिक फैलाने की भी जरूरत नहीं है। ये साफ और स्पष्ट बता दिया जाए कि बहुत हल्के लक्षण हैं और आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया है एहतियात। डॉक्टर भंसाल जी, जी उनको बहुत ही हल्के लक्षण है, जिसे हम कहते हैं माइल्ड सिम्टोमेटिक। आपकी बात किस किस से हुई है डॉक्टर साहब, आपको टोक रही हूं, आपकी किससे बात हुई है और कैसे जानकारी मिली आपको? जी मेरे उनके परिवार के सदस्यों से बात हुई है, मैं नाम नहीं बताना सकता ऑन चैनल, बट उनके परिवार के सदस्यों से बात हुई, अभी सुबह भी वापस थोड़ी देर पहले बात हुई, जिनके बाकी लोगों का भी टेस्टिंग करने की बात चल रही है। तो उनको माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन उम्र ज्यादा है इसके लिए, वरना हमारा और ये गवर्नमेंट का बीएमसी का क्लियर कट प्रोटोकॉल है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाती है, होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन चूंकि उनकी उम्र ज्यादा है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, माइल्ड सिम्टम है, इसलिए उनको भर्ती किया गया है, सो दैट अगर कुछ भी अगर तकलीफ होती है तो इमिडिएटली सारी चीजें रेडी रहनी चाहिए जो उपलब्ध है उस हॉस्पिटल के अंदर। तो अभी फिलहाल बिल्कुल स्टेबल है, सेचुरेशन उनका नॉर्मल है, फीवर अभी इस वक्त नहीं है उनको, कंडीशन वेल कंट्रोल्ड है। बहुत ज्यादा पैनिक की फैलाने की, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत इस बारे में बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, जो फैक्ट्स है, जो जानकारी है, वो उसी तरह से रखी जा रही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, डॉक्टर भंसाली कह रहे हैं वो लगातार परिवार के साथ संपर्क में है और सभी लोगों का यही कहना है लक्षण बहुत हल्के हैं, तनुश्री बहुत हल्के लक्षण हैं, लेकिन एहतियातन उनकी उम्र को देखते हुए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो उन्हें पहले हुए हैं, इन सबको देखते हुए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स को लगातार मॉनिटर करना, टेम्परेचर हो, तमाम सिम्टम्स हो, ये जरूरी है। तनुश्री इस वक्त बीएमसी की टीम आप बता रही थी वहां पर पहुंची हुई है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या चल रहा है तनुश्री। बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम लोग जलसा के बाहर मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर पहले 15 लोगों की एक बृहड़ मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम यहां पहुंची है। अभी वो लोग अपने कुछ ही देर में अपना सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें अंजना कि ये के वेस्ट जोन पड़ता है, जिस एरिया में जलसा बंगला है और नानावती अस्पताल भी है, और ये वो चौथे नंबर पे ये मुंबई में आता है। अगर हम टोटल कोविड केसेस की बात करें तो काफी संक्रमित एरिया माना जाता है, और इसी के चलते बीएमसी एक सैनिटाइजेशन प्रोसेस यहां पे स्टार्ट कर रही है। अमिताभ बच्चन का बंगला तो सैनिटाइज किया ही जाएगा, इसके अलावा आसपास का जो एरिया है उसको भी प्रॉपरली सैनिटाइज करवाया जाएगा अंजना। और जैसा कि आपने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स जरूर है, और ये एक अच्छी बात भी है कि ऐश्वर्या बच्चन, आराध्या बच्चन और जया बच्चन का टेस्ट नेगेटिव आया है अभी के लिए। एक और टेस्ट करा गया है जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, पर वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है और सिर्फ इसी बात का अभी एक अच्छी बात मानी जा रही है कि काफी माइल्ड सिम्टम्स है। जैसे कि डॉक्टर्स ने बोला कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत ही हल्का खांसी जुकाम, हल्का बुखार है, और ऑक्सीजन लेवल्स को क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक एज का लिहाज करते हुए, उनको पहले भी कुछ हल्की फुल्की बीमारियां रही हैं, तो उसका लिहाज करते हुए ऑक्सीजन लेवल जो है वो सबसे जरूरी माना जा रहा है, उसको कंटिन्यूअसली डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। और ये वो डॉक्टर की टीम भी है, इनमें से कुछ डॉक्टर्स वो भी हैं जो अमिताभ बच्चन की को पहले भी अटेंड कर चुके हैं, तो उनकी बॉडी से, उनकी कोमोबिडिटी से बहुत अच्छे तरीके से ये सब डॉक्टर्स अवेयर है, तो उनको अमिताभ बच्चन को कोविड से ट्रीट करना उनके लिए आसानी भी रहेगी। तो बिल्कुल अभी जलसा के बाहर अंजना सैनिटाइजेशन प्रोसेस चालू होगा, आप देख सकते हैं बीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पे सब पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने का जो प्रोसेस है वो चालू होगा। फिर आज से ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, अमिताभ बच्चन कितने लोगों से मिले, अपने ड्राइवर से लेके, खाना बनाने वाले से लेके, स्टाफ जो है, जो डबिंग सेशन उनका था, सभी का टेस्ट कराया जाएगा, सभी को बीएमसी एक एक कर कॉल कर रही है अंजना। बिल्कुल, और आप तस्वीरें भी हम वहां की दिखा रहे हैं, क्या जो बीएमसी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं जलसा में वो कोई जानकारी दे रहे हैं तनुश्री, कुछ बता रहे हैं? हमने बात करने की कोशिश की अंजना, जो बीएमसी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं, जो अधिकारी यहां पहुंचे हुए बीएमसी के, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि हम लोग बाकी जो आसपास का इलाका है उनसे हम लोग यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकले, और अभी हम आज जितनी देर में सैनिटाइजेशन का काम करेंगे पूरे एरिया को हम एक तरीके से कॉर्डन ऑफ करेंगे, हम लोग लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि वो अंदर रहे। और जब हमने उनसे बाकी घर वालों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी बाकी घर वाले जो है, आराध्या बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, वो अंदर है और अभी सुरक्षित है, और घर की भी एक एक कोना, घर का भी एक एक सामान को सैनिटाइज करवाने का काम बीएमसी अपने हाथ में ले चुकी है, और आज दोपहर के बाद ये काम शुरू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।